शिक्षक दिवस के अवसर पर हर जगह बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान से लेकर सरकारी शिक्षण संस्थान में शिक्षक दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर अवकाश प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में जो शिक्षक अवकाश ग्रहण किए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया। पाग, चादर एवं मेमोंटो देकर इन लोगों को सम्मानित किया गया। कॉन्स्टेंट कॉलेज से लेकर एफिलिएटेड कॉलेज में जो शिक्षक अवकाश ग्रहण किए थे उन सभी को विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सम्मानित किया गया। इसी क्रम में स्थानीय आरबी जलान कॉलेज के एक शिक्षक हैं प्रभात कुमार, वो भी अवकाश ग्रहण किए थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं उन्होंने सम्मान नहीं लिया, उन्होंने अपना दर्द मीडिया के सामने में रखा। उन्होंने क्या कहा, विश्वविद्यालय में इनके साथ क्या समस्या होती थी, शिक्षक सम्मान इन्होंने क्यों नहीं लिया, इन्होंने पूरी बात बताई। क्या कहा सुनिए, इन्हीं की जुबानी। दरभंगा एक और शिक्षक है जिन्होंने शिक्षक सम्मान नहीं लिया, सूत्रों की माने तो वो आए भी नहीं थे, लेकिन ये जो प्रभात कुमार है उन्होंने बताया कि वो भी शिक्षक जो है सम्मान लेने से इनकार कर गए। इन्होंने क्या कहा सुनिए, दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। की क्षमता हो सुनने में से कुछ नहीं होना, जब आप स्वाध्याय करेंगे उस दोनों परंपरा में ऋषि और मुनि जो सार्थक नाम है सोचने का और मनन करने का, तभी कुछ लिख ले। इनमें से एक हटा देंगे बिना सोचे मनन करेंगे तो करते रहिए, और बिना मनन के कुछ सोचना सोचते रहिए। तो ये दोनों तत्व जो ऋषि और मुनि का चला तो दोनों के साथ जो आप चिंतन कर रहे हैं ताकि बीपी के साथ करें ब्रेक करें मनन करें उस पर, तभी कुछ अमृत तत्व आपको निकल कर जाएगा, बोधी तत्व आपको टीचर्स इसी तत्व की तलाश में, इसी संघर्ष की तलाश में कोई छोटे छोटे कदम चल कर सकता। जैसे आप सभी टीचर्स आप सब ने क्लास किया होगा, हम भी टीचर रहे, हमने भी क्लास किया, उसी पुस्तक को उसी पेपर को आपको टीचर ने क्लास में पढ़ाया तो कुछ समझ में आया, उसी पेपर को जब आपने इम्तहान के दौरान पढ़ा कल इम्तहान आया पढ़ना है तो मेरे ख्याल में समझदारी का स्तर कुछ बदल गया, कुछ दूसरा। और आप लेक्चरर हो गए, वही टॉपिक क्लास में पढ़ाना है तो आपकी सोच का अंदाज पहले वाले स्टूडेंट से, इम्तहान वाले परीक्षार्थी से और क्लास वाले टीचर से किसी का दूसरा रूप है, एकदम दूसरा तत्व उसके साथ। अगर आप बाकी टीचर हैं और सचमुच के टीचर आप हैं जिन्होंने अपने के लिए बोध तत्व के साथ जोड़ा, तो हर क्लास में जो पिछले साल आपने पढ़ाया है अगले साल जो आप पढ़ाएंगे वो बदला हुआ। सेवानिवृत्ति मुझे पिछले 31 जुलाई को हुई है, इसके पहले वाइस चांसलर साहब से, रजिस्ट्रार साहब से, महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर, शिक्षक की समस्याओं को लेकर, कॉलेज की समस्याओं को लेकर, शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर न जाने कितनी बार आवेदन दिया, कितनी बार दौड़े। हम लोग के महाविद्यालय को नोटिफिकेशन नहीं हुआ था टीचर्स का, 4 साल के बाद उन्होंने दौड़ धूप करके हमें नोटिफिकेशन करवाया, उस सेवा को उन्होंने स्थगन में डाल दिया, एबेंस में डाल दिया। उसके लिए हम लोग बार बार दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, जस का तस दौड़ते रहिए, कोई समाधान नहीं। तो क्या ये पाग और चादर पहनाकर उस शिक्षक का सम्मान करना चाहते हैं, अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं? हमने उनसे यही कहा कि महाविद्यालय की समस्या का समाधान यदि कर दीजिएगा वही हमारे लिए शिक्षक का सम्मान। एक शिक्षक कामेश्वर मिथिलेश यादव LCS कॉलेज के हैं, उनकी समस्या शायद है, शायद किसी वजह से वाइस चांसलर ने या रजिस्ट्रार ने उनके ऊपर FIR किया है जैसा कि वो बता रहे थे, उनकी अंदर की समस्या क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज की समस्या विकराल है और उसको आवेदन देते देते हम लोग रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये इस अवसर पर आप मीडिया बंधुओं से आग्रह है, ये उनको मैसेज जाए कि कम से कम कॉलेज के एफिलिएटेड कॉलेज की समस्या का निदान वो कर देंगे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, न कि पाक जादर से। पूछना ये कि आज के सम्मान समारोह में आपका नाम था? हाँ था। आपने लिया? नहीं लिया। कारण? वही बताया मैंने कि हमारे केवल पाग चादर से हमको सम्मान करना चाहते हैं आप,
हमको बोलने की आज़ादी नहीं है, हमारे कॉलेज की समस्या का निदान आपने विश्वविद्यालय के सम्मान को वापस कर दिया। हाँ, वापस सम्मान वापस किया, कोई ये नहीं, कोई विरोध नहीं, हम शिक्षक हैं, शालीन शब्दों में हमने वापस किया है। ऐसे कितने शिक्षक हैं? दो शिक्षक, एक मैं हूँ, एक मिथिलेश यादव जी हैं, LCS कॉलेज से। किस कॉलेज से हैं? मैं अरबी जालान कॉलेज से हूँ, रमा बल्लभ जालान बेला कॉलेज से हूँ, प्रभात कुमार। ठीक।